हेलो दोस्तों, आईएएस फर्स्ट में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम प्रीलिम्स कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस। स्टेटमेंट है फर्स्ट, दीज हैव बीन एस्टेब्लिश अंडर द ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 2015। सेकेंड, हौसला प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म to children from CCIs across India where they can showcase their talent। तो इसमें भी हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है। हमारे ऑप्शन है ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, एंड डी नीदर वन नॉर टू। तो पहले हम स्टेटमेंट वन पर नज़र डालते हैं जिसमें कहा गया है कि यह ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स एक्ट 2015 के तहत एस्टेब्लिश किया गया नहीं, यह जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत स्थापित किया गया है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वह गलत है। दूसरा, हौसला यह जो कार्यक्रम है अभी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और इसका आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसमें जो ऐसे बच्चों को छिपी हुई प्रतिभा को समझने का अवसर देता है जो अपनी प्रतिभा को पहचानने में सक्षम नहीं है और जिन्हें अभी तक यह ज्ञात नहीं हो पाया है कि वह कुछ कर भी सकते हैं अपनी लाइफ में, साथ ही ऐसे बच्चों को अपने जीवन में आगे बढ़ने की भी प्रेरणा देता है यह हौसला कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में चित्रकला, डिबेट, भाषण लेख, विभिन्न स्पोर्ट्स जैसे एथलेटिक्स, फुटबॉल, क्रिकेट आदि में बच्चों को अपना प्रतिभा दिखाने का मौका दिया जाता है। तो इस हिसाब से हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट है वह सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी टू ओनली। हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्च स्ट्रेट लिंक्स अर्थात कर्च जल संधि किन दो जगहों को जोड़ती है या दो सागरों को जोड़ती है। तो हमारे ऑप्शन है ए जावा सी एंड इंडियन ओशन, बी एड्रियाटिक एंड आयोनियन सी, सी बेरिंग सी एंड चुक्ची सी, डी सी ऑफ अजो एंड ब्लैक सी। तो पहले हम एक मैप देख लेते हैं, उसमें कर्च स्ट्रेट कहाँ है, उसका लोकेशन कहाँ है वह हम जान लेते हैं। तो आप मैप में देख सकते हैं कर्च स्ट्रेट जो है वह सी ऑफ अजो और ब्लैक सी के बीच में एक जल संधि है। साथ ही यह यूरोप में है और यह क्रीमिया जो कि अभी यूक्रेन के अंडर में है और रशिया के बीच में है। साथ ही क्रीमिया प्रायद्वीप के बारे में आपने जान आपको पता ही रहेगा कि यह रशिया और यूक्रेन के बीच विवादित स्थल है और कुछ वर्ष पहले रशिया ने इस पर कब्जा करने की भी कोशिश की थी। साथ ही यह जो स्ट्रेट है वह इसलिए भी न्यूज़ में क्योंकि हाल ही में रशिया ने यूक्रेन के 3 जहाज़ों को अपने कब्जे में ले लिया जिससे इन दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ गया है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, सी ऑफ अजो एंड ब्लैक सी। तो दोस्तों यह सिर्फ एक ही स्टेट है जिसके बारे में हमने पूछा है, ऐसे विभिन्न स्टेट जैसे बोस्पोरस, कुक, डंकन, बाब अल मंदेब, हॉर्मूज, यह सब यूपीएससी पूछ सकती है इनका लोकेशन कहाँ है या फिर इसको मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकती है। तो ऐसे स्टेट को आप नोट करके रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इज अ मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम। और हमारे स्टेटमेंट है फर्स्ट, इट इज़ बीइंग इंप्लीमेंटेड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट वेयर मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग मल्टी डायमेंशनली थ्रू द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। सेकेंड है, अ कंडीशनल कैश इंसेंटिव ऑफ 5,000 rupees इन 3 इंस्टॉलमेंट इज प्रोवाइडेड टू अ प्रेग्नेंट वूमन। थर्ड, इन केस ऑफ मिस कैरेज और स्टिल बर्थ द बेनिफिशरी वुड बी एलिजिबल टू क्लेम ओनली द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स इन द इवेंट ऑफ एनी फ्यूचर प्रेगनेंसी। इसमें भी हमें करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है और हमारे ऑप्शन है ए वन एंड टू, बी टू एंड थ्री, सी वन एंड थ्री, एंड डी वन टू एंड थ्री। तो पहले हम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इसका
जो शुभारंभ है वह 2017 में हुआ था और यह जो योजना है वह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। साथ ही इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिए 5,000 रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि सीधे सीधे उनके खाते में अर्थात DBT के तहत प्रोवाइड की जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी। और जैसा दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, ये सही है क्योंकि गर्भवती महिलाओं को जो 5,000 रुपये नकद लाभ दिया जाएगा उसमें पहला जो 1,000 है वह गर्भावस्था के पंजीकरण के समय दिया जाएगा। दूसरी किस्त में 2,000 रुपया दिया जाएगा जिसमें 6 महीने की गर्भावस्था के बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच की गई हो तो मिलेगा। और तीसरी जो किस्त है वह बच्चे के जन्म पंजीकृत होने पर दिया जाएगा। तो यह जो योजना है काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी ऐसी माताओं, ऐसे महिलाओं के लिए जो मजदूरी करती हैं, मेहनत करती हैं और अपना पेट भरती हैं। तो इस हिसाब से जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वह तो गलत है क्योंकि यह 50% महिलाओं के लिए नहीं, यह सभी के लिए है। और दूसरा दूसरा तो स्टेटमेंट के बारे में मैंने आपसे चर्चा कर ही लिया है। तीसरा स्टेटमेंट में बोला गया है कि अगर मिस कैरेज या स्टिल बर्थ होता है तो जो बेनिफिशियरी को पहले जो इस हिसाब से उनको पहली और दूसरी किस्त तो मिल गई रहेगी लेकिन तीसरी किस्त जो 2,000 की बची है वो तो नहीं मिली होगी। तो इस केस में क्या होगा, जब वो नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होंगी और अगर बच्चे को बच्चा जो है वो सही सलामत पैदा होता है तो उसे जो तीसरी किस्त है 2,000 की वह मिल जाएगी। तो इस हिसाब से हमारा जो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट है वह सही है। तो हम इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन B 2 एंड 3 ओनली। अगला क्वेश्चन है, अलोंग द बैंक्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द करतारपुर गुरुद्वारा। ऑप्शन है ए चिनाब, बी रावी, सी ब्यास, डी सतलुज। तो हम मैप देख लेते हैं, जो करतारपुर कॉरिडोर है वह पाकिस्तान के करतारपुर से लेकर भारत के डेरा बाबा नानक तक रहेगा और यह जो कॉरिडोर है वह रावी नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन B रावी रिवर। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, द मिंक्स एग्रीमेंट रिसेंटली इन द न्यूज़ आर रिलेटेड टू। ऑप्शन ए रिफ्यूजीज एंड इरेगुलर माइग्रेंट मस्ट बी हैंडल्ड बाय द यूरोपियन यूनियन, बी द कन्फ्लिक्ट इन ईस्टर्न यूक्रेन, सी द इंटरनेशनल प्रोटोकॉल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, सी डिजिटल जिनेवा कॉन्वेंशन। तो जो मिंग्स एग्रीमेंट है यह 2014 का एग्रीमेंट है और यह रूस और यूक्रेन के बीच हुआ था ताकि यूक्रेन और रूस के बीच कोई बड़ा युद्ध न छिड़ जाए। और इस एग्रीमेंट के तहत बड़े हथियारों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था, हालांकि छोटे हथियार जो कम शक्तिशाली हैं ऐसे हथियार यूज़ कर लेते हैं ये दोनों देश, लेकिन बड़े हथियारों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया था। और यह एग्रीमेंट इसलिए भी न्यूज़ में है क्योंकि हाल ही में रूस ने यूक्रेन के 3 जहाज़ों पर कब्जा कर लिया और इस स्थिति के कारण दोनों देशों के बीच युद्ध की संभावनाएं पैदा हो गई है। इसके साथ ही रूस ने भी अपने नौसैनिक बटालियन को मजबूती प्रदान करना शुरू किया है और वहीं यूक्रेन ने नाटो से मदद मांगी है। तो इस अवस्था में अगर युद्ध छिड़ जाता है तो यह तीसरे विश्व युद्ध से कम नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपसे एक यही काम चाहता हूँ कि मैंने आपसे जो भी संधियाँ पूछी हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में विस्तृत बताइए कि ये किन दो जलाशयों या दो स्थानों को जोड़ती है। तो इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चन हैं वहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।